हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और सौरभ जाते हैं बहुत सारे प्लेसेस और लेके भी चलते हैं आप सभी को अपने वीडियोस के थ्रू। तो आज आए हम नेदरलैंड्स की एक बहुत फेमस जगह। जब आप नेदरलैंड्स का बारे में सोचते हैं या नाम सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा उसका नाम आता है उसकी फेमस चीज़ों के लिए, जैसे कि ट्यूलिप्स, एम्स्टरडैम, विंडमिल्स, चीज़। तो ये जो जगह है जिसका नाम है ज़ांसेस्कैन, वो फेमस है अपने विंडमिल्स के लिए। तो ये जो विंडमिल्स है ये बहुत हिस्टोरिक विंडमिल्स है। तो आपको दिखाते हैं ये ज़ांसेस्कैन और यहाँ के हिस्टोरिक विंडमिल्स। सो नाउ लेट्स गो। अब ले रहा है सौरभ यहाँ की पार्किंग टिकट। तो जब वापस जाएंगे तब उसे पे करना होगा। तो गाड़ी पार्क कर दी है और आई थिंक इसका पार्किंग कॉस्ट शायद 10 यूरो है, अराउंड 850 रुपीस। मगर जब मैं पे करूँगा तब बताऊँगा आप लोगों को। वैसे फ्राइडे है आज तो भी काफ़ी भीड़ है, पार्किंग स्पॉट यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं हुई गाड़ी पार्क करने में। मगर वीकेंड पे जब टूरिस्ट लोग ज़्यादा आएंगे तो आई कैन इमेजिन कि यहाँ थोड़ा सा टफ होता होगा पार्किंग मिलना भी। और सबसे बड़ी बात, अभी जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो सिर्फ नेदरलैंड्स के या आसपास की कंट्रीज के आ रहे हैं। जो टूरिस्ट होते हैं, जो मेन टूरिस्ट होते हैं, जो इंडिया चाइना से आते हैं, वो अभी है नहीं, या दूसरी कंट्रीज से आते हैं। तो काफ़ी लोकल लोग ही घूम रहे हैं, तो इसीलिए आपने पहले भी देखा होगा मर्केन और फॉलेंडाम में भी काफ़ी कम भीड़ थी, वैसा ही हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उधर तो कार पार्किंग है जहाँ हम लोगों ने कार पार्क की है, पर जब लास्ट टाइम हम लोग यहाँ आए थे तब ये पार्किंग जो दिख रही है ये पूरी फुल थी, और ये फुल थी बसेस से, टूरिस्ट बस से। और अभी एक भी बस नहीं है यहाँ पे, कोई टूरिस्ट नहीं है, सब लोकल्स ही है। तो अभी मेरे साइट पे यहाँ पर है ज़ांसेस्कैन का म्यूज़ियम और एक कैफ़े भी है। तो म्यूज़ियम अभी भी ओपन है, बट आपको ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। बट हम लोगों को अंदर नहीं जाना है क्योंकि बाहर ही कुछ इतना कुछ देखने के लिए है, तो हम बाहर देखेंगे। बट आते हुए शायद उस कैफ़े से कॉफ़ी पी सकते हैं, तो अगर मन किया तो कॉफ़ी पियेंगे। बट अभी चलते हैं पूरा ज़ांसेस्कैन के जो छोटे छोटे घर है और जो विंडमिल्स है वो देखने। ये जो जगह है ज़ांसेस्कैन ये बहुत ही हिस्टोरिक है, और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया थी ओल्ड टाइम्स में। और यहाँ के जो विंडमिल्स थे ये यूज़ होते थे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। कैसी इंडस्ट्रीज़? जैसे कि ऑयल इंडस्ट्रीज़ और मस्टर्ड इंडस्ट्री या पेंट इंडस्ट्री, इन सब के लिए ये जो विंडमिल्स हैं वो यूज़ होती थी। अब तो ये सिर्फ एक हिस्टोरिक साइट है और यहाँ पर आते हैं सिर्फ विजिटर्स और टूरिस्ट इन विंडमिल्स को देखने के लिए। तो यहाँ ब्रिज को नीचे कर रखा है लॉक कर रखा है। तो जैसे मैंने आपको फॉलेंडाम और वहाँ बताया था, उसमें वहाँ पे ब्रिज को ओपन करने के लिए पुली थी, तो यहाँ से बोट आती है तो शायद ये लॉक पहले ओपन करना पड़ेगा और फिर इसके ब्रिज को हाथ से पुश करना पड़ेगा। दैट विल बी सुपर फनी। बट ब्रिज को ऐसे लॉक कर रखा है यहाँ पे। तो ये रखे हैं दूध के कैंस, जो कि इंडिया में भी रहते हैं ऐसे लोग, आपने देखा होगा बाइक पे दोनों तरफ रख के जो दूध वाले भैया लोग होते हैं वो ऐसे जाते हैं और दूध देने आते हैं इंडिया में। और इधर है उसी दूध के कैंस से फिल किया हुआ कार, इसे आपको पुल करना है। नहीं, आपको नहीं पुल करना है, पक्का यहाँ पर कोई मशीन लगेगी और उसे पुल करना होगा। बट ये सब दोनों शो पीसेज हैं, फंक्शनल ये भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही डेकोरेट के लिए रखा हुआ है। तो अब मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे आप चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने मार्कन में किया था वो यहाँ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको पता चलेगा कि चीज़ बनता कैसे, क्योंकि उसका प्रोसेस भी बताया। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अभी बता रहे हैं कि नहीं, नहीं तो जो लास्ट टाइम हम लोग गए थे उसके भी हमारे पास कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो वाले भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखा दूँगी। बट अभी अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर है ऐसी शीप्स और ये काऊ जो कि नकली है, बट आपको लगेगा कि ये असली है।
और यहाँ पे एक नकली इंसान भी बैठा है जो कि उससे दूध निकाल रहा है। बट ये कितनी लाइक रियल लग रही है, साथ में आवाज का भी है, सो देयर इज म्यूजिक एज वेल। लास्ट टाइम जब आए थे ना यहाँ पे तो मम्मी ने, मुझे याद है मम्मी ने यहाँ बैठ के पिक्चर खिंचाया था। है इतनी मजेदार जगह, यहाँ रखे ये चीज बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस और यहाँ पे बैठ के आप खिंचवा सकते हैं एक पिक्चर। तो आ गए अंदर और मार्कन के कंपैरेटिवली ये बहुत बड़ा शॉप है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं। यूजुअली पूरा पैक रहता है, अभी तो काफ़ी कम टूरिस्ट है, बट आप यहाँ पे चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रूप पफन्स ले सकते हैं और अगर आपको चीज़ खरीदना है तो वो खरीद भी सकते हैं। बट हमने मार्कन से ऑलरेडी ले लिया था तो पहले हम वो चीज़ खत्म करेंगे और अगर चाहिए होगा तो फिर कहीं और से ले लेंगे, बट आज हम यहाँ से शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोग जो नेदरलैंड्स आए उनकी ये पिक्चर ज़रूर देखी होगी, ऐसे बड़े से शूज़ में अपने पैर रखते हुए। So now I also have big shoes. Can these shoes fly? But at least I can fly in my dreams. But ये shoes आपने ज़रूर देखे होंगे, मतलब ऐसी पिक्चर जिसमें बड़े बड़े shoes हैं और अब इधर तक आ ही गए हैं, इस wooden shoes में अपने पैर रख ही लिए हैं। तो फिर चलते हैं wooden shoes कैसे बनते हैं उसे देखने के लिए। हो सकता है वो अभी नई बन दिखा रहे हों क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, बट मैं अपने पुराने जो वीडियो क्लिप्स हैं उसमें से दिखा दूँगी आपको। बस ये जो वुडन शूज़ हैं ये बहुत फेमस है नेदरलैंड्स में, जो पुराना ज़माना था तब वहाँ पे पहनते थे वुडन शूज़ वो लोग जो थे, वो पहनते थे वुडन शूज़ और जो फार्मर्स थे यूजुअली, अभी भी कुछ लोग हैं जो फार्मर्स हैं वो वुडन शूज़ पहनते हैं। तो देखते हैं अगर वुडन शूज़ बनाने का प्रोसेस बता रहे होंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी और नहीं तो अपने पुराने वीडियो क्लिप से दिखा दूँगी, तो आप देख ही सकते हैं। चलते हैं अंदर। पर एक छोटा सा म्यूजियम भी जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वुडन शूज हैं। आगे जाएंगे ना तो खड़ऊ भी मिलेंगे, खड़ऊ आपको नहीं पता है तो दिखाऊंगी तो पता चलेगा, बट यहाँ डिफरेंट टाइप के वुडन शूज हैं, आपको दिखाते हैं। और यहाँ इस वाले को देखेंगे ना, यहाँ पर है ऐसे बहुत ही शार्प सा आयरन का लगा हुआ है। तो अगर याद हो वो कौन सा मूवी था, सॉरी शोले, है ना, शोले मूवी में जो से लगा रहता है वैसे लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपके अगर लग गया तो आप गए। वैसे ये जो है ये किसी को मारने के लिए नहीं है, ये आइस क्लॉग्स है, तो अगर आप आइस का मतलब स्नो का माउंटेन चल रहे हैं तो ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। ये है खड़ाऊ जो मैं बता रही थी, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और ये होंगे रॉयल शूज, इतने यहाँ पे इतना ज़्यादा उस पर काम किया हुआ है, तो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं उसके अंदर। और इधर है शायद वेडिंग के शूज, और बेबी शूज भी है। ऐसा नहीं है कि वुडन शूज के साथ आपके पास लग्जरी नहीं आ सकती है, ये है फुल लग्जरी विद डायमंड्स ऑन इट। और ये वो एरिया था जहाँ पे वो पूरा प्रोसेस बताते थे कि कैसे कैसे वुडन शूज बनते हैं, पूरा पूरा बताते थे। यहाँ पे लगी रहती थी चेयर्स जिस पे आप बैठ सकते हैं थे, और यहाँ से वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करते थे और इस टाइप से ऐसे छोटे बड़े सब साइज़ के वुडन शूज़ बनाते थे। अभी तो नहीं हो रहा है, बट जब नॉर्मल टाइम था तब ज़रूर यहाँ पे सारा प्रोसेस दिखाते थे। और अगर आपको वुडन शूज़ खरीदने एज अ सोफिनियर तो वो पॉसिबल है,
आप अपने साइज का खरीद सकते हैं, तो एज ए सोवेनियर आप पहन भी सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। हर साइज के यहाँ पे वुडन शूज अवेलेबल है, और चाहे तो छोटे से एज ए सोवेनियर लेना हो मैग्नेट्स या की चेन, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ से ट्यूलिप्स भी है, वो भी ले सकते हैं, बट यूजुअली अगर लोग जैंसर स्कैन आते हैं तो यहाँ से लेते हैं ये वुडन शूज के सोवेनियर, फ्रिज मैग्नेट्स या की चेन, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस हमारे पास ऑलरेडी है। और क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, ये इतना खाली पड़ा है, हम हर बार आए हुए यहाँ इतनी भीड़ होती है कि हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं, कुछ खरीद ही नहीं पाते हैं। और अभी यहाँ टोटल करके शायद 4 या 5 पीपल है, और इतनी आसानी से यहाँ घूम पा रहे हैं और हर चीज़ को देख पा रहे हैं, तो एक तरीके से अच्छा हुआ कि इस बार भी हम यहाँ आ गए। वैसे आए तो ड्रोन के लिए हैं, बट अच्छा हुआ आ गए। क्योंकि लग रही है बहुत गर्मी, तो गर्मी में क्या करना चाहिए, खाना चाहिए आइसक्रीम, तो मैं खाने वाली हूँ अब एक आइसक्रीम यहाँ से। तो आ गई है मेरी आइसक्रीम, और इतनी गर्मी लग रही थी, अब लग रहा है कुछ अच्छा। आप सोच रहे होंगे कि एक ही क्यों लिए, क्योंकि सौरभ को नहीं खानी थी, बट मुझे तो खानी थी, मैंने ले ली। And it's awesome. सौरभ खानी है? सोचता हूँ थोड़ी देर में। कब तक खत्म हो जाएगी? सोचते रहो। तो विंडमिल्स और चीज फैक्ट्री के बाद अब हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाते हुए जा रहे हैं एक और छोटे से म्यूजियम के तरफ, और यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री भी है, वो हम आपको वहाँ जाके बताएंगे। आइसक्रीम खानी है तो इसमें से खा सकते हैं, खरीद लेनी पड़ेगी। नहीं, मेरे को थोड़ा सर्दी सा हो रहा है, तो बड़ा स्ट्रेंज है, इतनी गर्मी में मेरे को सर्दी हो रही है, इसलिए मैं आइसक्रीम अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, योर चॉइस, मैं तो अभी भी खा रही हूँ। तो आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो अल्बर्टाइन का नाम ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है या नहीं देखा है तो मैं बताती हूँ। अल्बर्टाइन नेदरलैंड्स का फेमस ग्रॉसरी स्टोर का चेन है, और जो फर्स्ट शॉप थी अल्बर्टाइन की वो बनी थी 1887 में, मतलब ऑलमोस्ट 130 ईयर्स पहले। और वो कहाँ बनी थी? वो जैंसर स्कैन में बनी थी। तो वो शॉप अब देख सकते हैं आप मेरे पीछे, और ये शॉप ऑलमोस्ट 130 ईयर्स ओल्ड है। वैसे अभी बंद है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये शॉप बंद है, बट अगर आप जैंसर स्कैन आते हैं तो अल्बर्टाइन का फर्स्ट ग्रॉसरी स्टोर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आप यहाँ जैंसर स्कैन कैसे आ सकते हैं? आप कार से आ सकते हैं, आप ट्रेन से आ सकते हैं, और बस से आ सकते हैं। अगर ट्रेन और बस से आ रहे हैं तो एम्स्टरडैम बहुत ही पास है, और वहाँ के सेंट्रल स्टेशन से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ट्रेन या बस कुछ भी लेके यहाँ के जैंडम स्टेशन पहुँच सकते हैं, और फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। और अगर कार से आते हैं तो एम्स्टरडैम से सिर्फ 16 किलोमीटर है ये जगह, और कार पार्क कर सकते हैं और फिर आसानी से यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। तो ये जो जैंसर स्कैन जगह है, ये मैं और सौरभ ना कई बार आ चुके हैं, 8 ईयर्स हो चुके हैं हमको नेदरलैंड्स में रहते हुए, और ये जगह हम लोग ऑलमोस्ट 6 टाइम्स आ चुके हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इन लॉज के साथ, और अकेले भी कई बार आ चुके हैं। ये जगह ही इतनी सुंदर है, यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा लेक है, इतने सुंदर से घर है, और जो विंडमिल्स हैं वो बहुत ही अच्छी है।
जो ये जगह है ना, आज तो बहुत ही सनी वेदर है और बहुत ही हॉट हो रहा है और पूरा सन 32 डिग्रीज के साथ बाहर है, बट हम ऐसे टाइम्स पे भी आए हैं जब यहाँ पे बिल्कुल इतने अच्छा सा मौसम था, बहुत अच्छे क्लाउड्स थे और जब पिक्चर्स आते हैं यहाँ पर वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आते हैं। तो अगर आप नेदरलैंड्स आते हैं तो ये जगह ज़रूर आइए। ये है नेदरलैंड्स का ज़ांसेस कैंप। तो अगर आप नेदरलैंड्स घूमने आते हैं और सोच रहे हैं कि एम्स्टर्डम के अलावा क्या घूम सकते हैं, तो ज़ांसेस कैंप एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप नेदरलैंड्स में ही रहते हैं और आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, तो भी उन्हें ज़ांसेस कैंप घुमाइए, क्योंकि अगर आपको बताना है कि डच कल्चर क्या है तो वो यहाँ पे बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। यहाँ विंडमिल्स हैं, यहाँ चीज़ बनाने का पूरा प्रोसेस बताते हैं, चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, वुडन शूज़ बनाने का पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो ये एक बहुत ही आइडियल जगह है नेदरलैंड्स को बिल्कुल पास से देखने के लिए और उसकी फील लेने के लिए। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप ज़ांसेस कैंप और नेदरलैंड्स का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सेम ही है जो कि हमारा चैनल का नाम है, वो है देसी कपल मॉन्टेगो, और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ मिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।